सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड को लेकर। हर्षिल एग्रोटेक में आप लोग देखोगे भी हमें पिछले कुछ दिनों से या फिर पिछले एक साल से आप लोग देखोगे इसका चार्ट निकाल कर शानदार रैली शेयर ने दी। अभी नॉन स्टॉप स्टॉक चला है, एक महीने में एक वीक में कहीं पर गिरावट के संकेत नहीं आए हैं भाई। और अभी तो आप लोगों ने पिछले एक साल में तो बहुत ज़बरदस्त ने रिटर्न्स दिए हैं। और वैसे देखा जाए तो आप लोग देखोगे ये कंपनी बीच में कहीं गायब हो गई थी 2014 में, उसके बाद आप लोग देखोगे फिर से इसके अंदर जो अभी अच्छी ट्रेडिंग वगैरह होती हुई नजर, जीरो हो गया था शेयर फिर से स्टॉक में ट्रेडिंग। तो कुल मिलाकर जो अभी झोल कंपनी, थोड़ा सावधानी आपको बरतनी चाहिए भाई। जिस प्रकार से स्टॉक में तेजी बन रही है ना, ये बहुत ज़्यादा जो अभी अट्रैक्टिव स्टॉक है, ठीक है। बहुत सी वीडियो जिसके ऊपर आपको देखने को मिलेंगी, बट आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस जो था इसका 96 रुपये, ठीक है। वहाँ से आप लोग देखोगे अभी के टाइम जो सिर्फ वो आया हुआ है सिर्फ और सिर्फ 9 रुपये 66 पैसे पर, यानी कि कल तो इसमें 2% का अपर सर्किट लगा था, लेकिन आज जो ये शेयर है वो आप लोगों देखोगे लगभग 90% की गिरावट में है, 96 से सीधा 9 रुपये के भाव में। भाई ऐसा क्यों, क्यों स्टॉक इतनी बड़ी गिरावट में, तो आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे और इसका चार्ट देखकर आपको समझ में आएगा इसमें किस प्रकार का किस लेवल का गेम चल रहा है। तो इसलिए भी सावधान रहना जो भाई रिटेलर्स है, ठीक है। ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाने से पहले भाई 10 बार सोचो, लालच जरूर आता है क्योंकि भाई देखो 3-3 हज़ार% जब रिटर्न देते हैं लगातार तेजी बन रही है तो वहाँ पर पब्लिक अट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन वहाँ पर ऐसी फंसती है वो कभी ऐसे स्टॉक्स की तरफ मुँह करके भी नहीं देखती है फिर, ठीक है। तो इसलिए ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाने से बचो, इससे अच्छा कोई अच्छी कंपनी, अच्छी क्वालिटी की कंपनियां हैं, ठीक है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, वहां पर पैसा लगा सकते हो जहां पर विश्वास तो है अभी, हाँ ये कंपनी टिके तो रहेगी मार्केट में। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, सबसे पहले गिरावट के पीछे का रीज़न आपको बता दूँ और आज इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी आने हैं भाई। तो गिरावट के पीछे जो रीज़न है वो आज की डेट है अभी 17 तारीख, और 17 तारीख क्यों है, क्योंकि 17 तारीख के दिन कंपनी ने 10:1 में स्प्लिट की अनाउंसमेंट की हुई थी, ठीक है। जो ये कंपनी है का एक शेयर अगर आपके पास है पहले से, आज से पहले कभी भी खरीदा हो आपने, तो उस एक शेयर के जो ना भी 10 शेयर हो जाएंगे। तो आप लोग समझो देखो ये 1 के 10 होने वाले हैं, आपने जो खरीदा हुआ एक वो तो आपके पास है, लेकिन इसके अलावा 9 शेयर और आपको मिलने चाहिए थे वो नहीं आए हैं भाई। तो इनकी जगह पर आप लोग देखो जो स्प्लिट वाले शेयर वो नहीं मिले हैं, इनकी जगह पर ये 90% का लॉस है। जैसे ये शेयर क्रेडिट हो जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट में तो ये 90% का लॉस भी गायब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है, गिरावट को लेकर बोल रहा हूँ मैं। तो अब यहाँ से आप लोग आएंगे कैसे और कब, तो देखो भाई ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है जो हमें करनी पड़े और उसके बाद ये शेयर मिले, तो ऑटोमेटिकली जो ये शेयर है वो लगभग 1 से 2 वीक के अंदर अंदर आपके क्रेडिट कर देगी कंपनी। तो इसको लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है, जैसा वैसा इसको आप लोग यहाँ से लेके रख सकते हो अगर आपके पास है पहले से, और जैसे ही आएंगे तो आप लोग इसको बेच भी सकते हो भाई, तो अभी के टाइम तो नहीं। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ इसके अंदर किस प्रकार का किस लेवल का गेम चल रहा है। RSI MFI आप लोग देखोगे भी फुल ऑन टॉप पर है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो 100 पर पहुंचे हुए स्ट्रांगली ओवरबोर्ड जोन में स्टॉक को दर्शा रहा है, ठीक है। इसके अलावा मार्केट कैप की अगर बात करें तो मार्केट कैप इसकी लगभग अभी के टाइम 49 करोड़ दिखाई दे रही है। तो देखो भी ये स्प्लिट हुआ है ना इस वजह से है, हालांकि इसकी जो मार्केट कैप है वो 490 करोड़ के ऊपर में है, 490 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो ये इसकी मार्केट कैप है 490 करोड़ की, और PE रेशियो भी आप लोग देखो आज ये स्टॉक ऊपर से इतना डाउन है तभी इस रेंज में आया हुआ है 37 के आसपास, ठीक है। तो थोड़ा सा सावधानी यहाँ पर बरतना भाई आगे के लिए, मैं तो यही बोलूँगा आपको। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका चार्ट वगैरह, और ये देखोगे भी चार्ट पर आपको किस प्रकार का मोमेंटम देखने को मिला, कहीं पर नेगेटिविटी है आपको कहीं पर भी देखने को मिल रही हो। प्रीवियस दिसंबर में आप लोग देखोगे एक साल का चार्ट है ये, दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में अक्टूबर में 18 अक्टूबर 2023 में ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ 27 पैसे का था भाई, जी हाँ 27 पैसे का शेयर था। और आज आप लोग देखोगे 18 अक्टूबर 2023 से आज 16 अक्टूबर 2024 के दौरान स्टॉक पहुंचा हुआ है 9 रुपये 66 पैसे के भाव में, इतना ज़बरदस्त चल रहा है। और पिछले कुछ दिनों से जो अभी लगातार वॉल्यूम, पहले तो वॉल्यूम भी नहीं आ रही थी इतनी, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम आ रही थी स्टॉक में, ज़बरदस्त पंप आया भाई। तो पंप एंड डंप वाला स्टॉक है, थोड़ा संभल के रहना भाई, ठीक है। और इसका मैक्सिमम का चार्ट आप लोग देखोगे वहाँ पर भी आपको इसी प्रकार से जो ऊंच नीच है स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। जब ये ओपन हुआ था ऊपर में गया ये 3 रुपये के आसपास 2007 में, उसके बाद आप लोग 2014 में जो ये स्टॉक है बिल्कुल जीरो हो गया था भाई, ठीक है, आपके सामने है 2014 में बिल्कुल जीरो। और उसके बाद जो ये स्टॉक में आगे आप लोग 2015 के आसपास 17 18 19 के आसपास जो ना भी 5 पैसे 7 पैसे 10 पैसे उस रेंज
रेंज में था और ये 22 में आप 17 पैसे के आसपास, और अभी जो अभी स्टॉक में लास्ट में आते आते पंप बना है, तो ये हाई वॉल्यूम के चलते संभल के रहना भी यहाँ पर। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, पीछे रिजल्ट्स तो ठीक है, आज भी रिजल्ट्स आने हैं, वो कैसे आएंगे वो दोपहर में आप लोग देखना भाई। तो रिटर्न्स देखिए, एक साल में 3,764% के दिए भाई, एक महीने में देखोगे, थ्री मंथ्स में देखोगे, छः महीने में देखोगे अभी, और 2% में जो ना भी स्टॉक के सर्किट लिमिट है, 2% जो स्टॉक है ये लगातार अपर सर्किट पर अपर सर्किट मार रहा है। यहाँ पर सारी की सारी जो होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट पब्लिक के आसपास ही है भाई, पब्लिक के पास है 99.99%। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभलना चाहिए। देखोगे 16 अक्टूबर को भी बड़े ऑपरेटर्स ने खरीदा बेचा। ठीक है, इससे पहले 15 अक्टूबर को भी लगातार बल्क डीलिंग हो रही है, तो संभल के रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।